हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जंगपांगी एजुकेशन हब में। आज है 14 जनवरी। 14 जनवरी को मैंने जितने भी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के डाले हैं वो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सवालों से। क्वेश्चन है, नाव और नेवर पैम्पलेट्स किसने लिखा है? तो नाव और नेवर जो पैम्पलेट्स है वो रहमत अली ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये है रहमत अली। ठीक, रहमत अली ने जो पत्र लिखा अभी या कभी नहीं वो आपका 28 जनवरी, ठीक, 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली द्वारा लिखित और प्रकाशित एक पैम्पलेट जिसका नाम अब हम या कभी नहीं है। ठीक, पहली बार इस्तेमाल किया गया था और 1933 में गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इसका जो राइट आंसर होगा वो विलियम बेंटिक, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सती प्रथा को जो अवैध घोषित किया वो विलियम्स बेंटिक थे। ठीक है, ये है विलियम्स बेंटिक। ठीक, विलियम्स बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवा अधिकारी होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, राज्य में सर्वोच्च पद मुख्य सचिव का होता है। ठीक, मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार में है। कैबिनेट सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख है वो कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और इस प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट ऑन अकाउंट का अर्थ है, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट का क्या अर्थ है? वोट ऑन अकाउंट का जो अर्थ है वो है अपूर्ण बजट पास कर निधियों को विनियोजित करना, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या है, वोट ऑन अकाउंट जो है इसकी प्रक्रिया का जो गठन है अनुच्छेद 116 में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एशियाई विकास बैंक ADB ने एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी लॉन्च की है, इस सुविधा के लिए कितनी राशि रखी गई? इस सुविधा के लिए 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रखा गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नामक एक पहल शुरू की है। ठीक, बैंक ने एफवैक्स यानी कि एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के लिए 9 बिलियन आवंटित किए हैं। ठीक, अब है ADB। अब ADB का जिक्र आया तो ADB के बारे में भी जानना जरूरी है। ADB का पूरा नाम क्या है? ADB का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की स्थापना कब हुई थी? ADB की जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। ठीक है, ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। ठीक, इसका पर्पज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं मत्सात्सुगु अस्कवा। ठीक, मत्सात्सुगु अस्कवा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, ये हैं मत्सात्सुगु अस्कवा। ठीक, ADB के अध्यक्ष। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। ठीक है, कहाँ है? मनीला में। ठीक, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है वो है रघु शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, ये है रघु शर्मा। ठीक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के मामले में भारत विश्व में अग्रणी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है सीट माइका, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, भारत में खनन उद्योग एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत सीट माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है, लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में बॉक्साइट का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि भारत में खनन मानव अधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी बदनाम है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं दोनों, ये दोनों है ठीक है, दोनों के बीच का साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है?
इसका जो राइट आंसर होगा वो बिहार, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 2011 की भारतीय जनसंख्या जनगणना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच जो साक्षरता का प्रतिशत है बिहार राज्य के लिए सबसे कम है। बिहार राज्य के लिए यह कितना है, ये है 63.82% है। ठीक है, 63.82, जबकि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल में 93.91% है। ठीक है, ये केरल में है। और जम्मू कश्मीर के लिए 68.74% है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए। वैसे अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए आपका, अरुणाचल प्रदेश के लिए है 66.6695%। ठीक, और आंध्र प्रदेश के लिए कितना है, आंध्र प्रदेश के लिए आपका 67.4%। ठीक है, 67.4% किसका है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा एस्टर है जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से प्राप्त होता है। ट्राई जो ग्लिसराइड है मानव और अन्य जानवरों के साथ साथ वनस्पति वसा में और शरीर में वसा के मुख्य घटक होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम यानी कि ईईजी का उपयोग किसके मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। ईईजी का जो उपयोग है वो मस्तिष्क के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ईईजी मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग विधि है। ईईजी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के भीतर आयनिक धारा से उत्पन्न वोल्टेज में उतार चढ़ाव को मापता है। ठीक है, ईईजी का जो उपयोग है अक्सर मिर्गी के निदान के लिए किया जाता है, जो ईईजी रीडिंग को असामान्यता का कारण बनता है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले। और मैंने इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप वहां जाके भी उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।